सोमवार को मथुरा में मेजर जनरल एके शुक्ला अपर महानिदेशक एनसीसी निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने 10 यूपी बटालियन एनसीसी, 11 यूपी बटालियन एनसीसी और बनार एंड बी स्क्वाड्रन एनसीसी बटालियन का निरीक्षण किया। मथुरा पहुंचे मेजर जनरल एक छपरा का केडी टोके द्वारा उनको गार्ड ऑफ ऑनर किया गया। उसके बाद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एनसीसी के कैडेटों के साथ वार्तालाप करते हुए उनकी समस्याओं को जाना। उन्होंने वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों से एक एक कर सभी का परिचय लिया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए मेजर जनरल एक छपरा ने मीडिया के सवालों का भी जवाब दिया। इस दौरान मीडिया के पूछे गए सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि वहां निरीक्षण के लिए आए हुए हैं। इससे पहले वे अलीगढ़ के लिए गए थे, वहां भी उन्होंने निरीक्षण करके वहां की कमियों को परखा। आज वो मथुरा आए हैं और यहां भी निरीक्षण के लिए आए हैं। निरीक्षण के दौरान उन्हें भवनों की कमी नजर आई, जिसको जल्द सुधार लिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही जो लोग यहां रह रहे हैं उनके रखरखाव का भी ध्यान रखने की बात कही। हालांकि उन्होंने कहा कि हमें शासन प्रशासन का भी सहयोग मिलता रहता है, फिर भी हम लोग समय समय पर कमियों को सही तरीके से दूर करने का काम करते रहते हैं, जिसके चलते आज हम यहाँ निरीक्षण के लिए पहुँचे हैं। मैंने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कैडेट कोर का कार्यभार 2 महीने पहले संभाला है और मैं अपने ग्रुप्स और यूनिट्स का दौरा कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैं अलीगढ़ आया था, जो ग्रुप हेडक्वार्टर है जो मथुरा की यूनिट्स को कंट्रोल करता है, और आज मैं मथुरा में हूँ। कल मैं नोएडा में था, परसों में आगरा जा रहा हूँ। तो मैं देखना चाहता था कि किस प्रकार की प्रॉब्लम समस्याएं मेरी यूनिट्स में हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि ये समस्याएं जो हैं ठीक लेवल पे ली जाएं स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, ताकि तरीके की समस्या सामने आए। एक तो प्रॉब्लम जो हमें आ रही है वो भवनों की प्रॉब्लम आ रही है। जिस प्रकार की अकोमोडेशन से हमारी यूनिट फंक्शन कर रही हैं, शायद ये और बेहतर हो सकती थी। 1948 से एनसीसी है और तकरीबन 110 यूनिट्स हैं हमारे पास उत्तर प्रदेश में। 11 ग्रुप हेडक्वार्टर इनको कंट्रोल करते हैं, और हम चाहेंगे कि भाई हर एक यूनिट में जिस प्रकार की अकोमोडेशन सरकारी होनी चाहिए, फंक्शनली सब कुछ ठीक होना चाहिए हर एक यूनिट में हो। कैंप्स को चलाने की भी काफ़ी प्रॉब्लम हमें आ रही हैं, तो हम चाहेंगे कि भाई ऐसी कोई एनसीसी ट्रेनिंग एकेडमी बनाई जाए जहाँ सारे साधन संसाधन हो जो प्रशिक्षण के लिए कैंप में ज़रूरी होते हैं। सरकार का कितना सहयोग मिलता है आपको? हाँ जी, सरकार का सहयोग कितना मिलता है? अधिकारियों का सहयोग हमें मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी सहयोग है, केंद्रीय सरकार का भी हमें सहयोग है। पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने बता रहा था कि कैडेट्स की यूनिफॉर्म्स की प्रॉब्लम काफ़ी देर से चल रही है। सेंट्रल प्रोक्योरमेंट में कहीं ना कहीं बाधाएं आ रही हैं, जिसके कारण काफ़ी प्रॉब्लम्स, कैडेट्स को यूनिफॉर्म्स नहीं दे सक रहे हैं। तो उम्मीद है कि अगले साल से शायद भत्ता मिलने लग जाएगा, जैसे बच्चा एनरोल होगा एनसीसी में उसको उसके अकाउंट में भत्ता अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ताकि वो अपनी यूनिफॉर्म्स मार्केट से सिला सके। पर देखा जा रहा है बॉर्डर पर काफ़ी हलचल है, अगर ऐसे में जो दोता था एनसीसी क्या भूमिका निभाएगी अपनी? जब एनसीसी खड़ी हुई थी तो एनसीसी को सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता था। ठीक, एनसीसी से पहले यूनिवर्सिटी कैडेट कोर हुआ करता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, तो जो यूनिवर्सिटी के बच्चे थे द्वितीय विश्व युद्ध के लिए उनको तैयार किया जाता था। उसके बाद एक कमेटी बैठी तकरीबन 1985-88 में, जिसमें ये माना गया कि भाई आजकल हमें भारत में जहाँ तक लोगों का सवाल है, हमें भर्ती के लिए कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही। तो अब जो एनसीसी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं रही, और एनसीसी का जो उद्देश्य था वो था कि कैडेट्स का चरित्र व्यक्तित्व विकास किया जाए और उनको अपने ज़िंदगी में जो भी व्यवसाय वो चुनना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए तैयार किया जाए। और आम ये एक विचारधारणा है लोगों के बीच में कि एनसीसी का मेन एम ये है कि बच्चों को फ़ौज के लिए तैयार किया जाए, वो सही नहीं है, वो सही नहीं।